प्रदीप नारायण कैनी। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा यूनिवर्सल मोटर की वर्किंग के बारे में। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एक यूनिवर्सल मोटर मौजूद है। तो ये जो यूनिवर्सल मोटर है ये आपकी जूसर, मिक्सर और ग्राइंडर तीनों में यूज़ होती है। तो इसे मैं आपको डिसेंबल करके एक बार दिखा देता हूँ। तो जो इसके सबसे बाहर के पार्ट्स होते हैं, ये वाला और ये वाला, इन्हें कहते हैं एंड कवर्स, क्योंकि ये मोटर के एंड पे लगे होते हैं और इसे अच्छे से कवर करते हैं। और यहाँ पर लगे रहते हैं इसके कार्बन्स, तो मैं उन्हें भी निकाल देता हूँ। तो ये होते हैं इसके कार्बन ब्रशेस। सेकंड यूनिवर्सल मोटर का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। जो आपकी सबसे पहले बिजली की सप्लाई आती है वो स्विच में आती है। जो स्विच होता है उसे रोटरी स्विच कहते हैं। तो रोटरी स्विच का काम होता है यूनिवर्सल मोटर की स्पीड को एडजस्ट करने का, लाइक 1, 2, 3, 4। तो 1 पे आपका मिक्सर स्लो चलेगा, 2 पे फास्ट, 3 पे और फास्ट, और 4 और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो इसकी स्पीड कम या ज़्यादा कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ आगे इस वीडियो में। तो स्विच में आपकी जो है मेन सप्लाई आती है और आगे उससे 4 वायर्स जाती है या 3 जाती है। तो वो तीनों वायर्स कनेक्टेड होती है आपकी स्टेटर के प्राइमरी वाइंडिंग पर। तो इसमें क्या होता है कि आपकी कॉइलिंग कुछ इस तरह से होती है, जैसे आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रही होगी। तो इसका मान लेते हैं एक एंड ये है और एक एंड ये है, और जो आपकी बीच की दो वायर्स होगी ये कॉइल में से कुछ इस तरह से शॉर्ट करके निकाली जाती है। तो इन वायर्स को टैपिंग कहते हैं। तो अब इन टैपिंग्स के जरिए यूनिवर्सल मोटर की स्पीड कम और ज्यादा कैसे होती है इसको समझने के लिए आपको रेजिस्टेंस की जानकारी होना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको रेजिस्टेंस वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जितनी लंबी वायर होती है रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होता है, जितनी छोटी वायर होती है रेजिस्टेंस उतना कम होता है। तो जितना कम आपका रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो जितनी लंबी वायर होती है उतना उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और जितनी छोटी वायर होती है उतना उसका रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट आपका ज़्यादा फ्लो करेगा। तो सेम यही चीज़ यूज़ होती है स्टेटर की प्राइमरी कॉइल पर। तो मान लीजिए अगर आप स्विच को सेट करते हैं पहले नंबर पर, तो क्या होगा, तो आपका जो है करंट वो पूरी की पूरी कॉइल में से फ्लो करेगा। तो उस वजह से क्या होगा, कंडक्टर का साइज ज़्यादा होगा और स्पीड आपकी कम होगी क्योंकि करंट कम होगा। तो अगर आप स्विच को सेट करते हैं 2 नंबर पर, तो उससे क्या होगा कि करंट आपका सिर्फ यहाँ से आगे ही फ्लो करेगा, ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि करंट हमेशा उसी तरफ फ्लो करता है जहाँ से उसे न्यूट्रल मिलता है। सेकंड पॉइंट से आपकी जो कॉइल है उसका साइज 1 नंबर से कम होता है, इसीलिए करंट की रफ्तार थोड़ा ज़्यादा होती है और मोटर ज़्यादा स्पीड से घूमती है। तो ऐसा ही होता है आपका 3 और 4 पर। तो इस तरह से आपका जो करंट है वो प्राइमरी कॉइल पे जाता है। फिर प्राइमरी कॉइल का जो पहला एंड होता है वो लगता है आपका स्विच में, और जो आपका दूसरा एंड होता है वो लगता है आपका कार्बन में, कुछ इस तरह से। और कार्बन आपका कनेक्टेड होता है आर्मेचर के कम्यूटेटर में, कुछ इस तरह से।
तो इसके बाद क्या होता है कि करंट आपका कम्यूटेटर के थ्रू आर्मेचर में जाता है, और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कम्यूटेटर के थ्रू आपका इन कॉइल्स में सर्कुलेट करता है और दूसरे एंड पे दूसरा कार्बन लगा होता है जिसके थ्रू करंट आपका जाता है सेकेंडरी कॉइल में, और सेकेंडरी कॉइल में से फ्लो करके आपका जाता है वापस न्यूट्रल में, या फिर बीच में लगा होता है आपका एक ओएलपी, ओवरलोड प्रोटेक्टर। तो इस तरह से जो है वो आपका यूनिवर्सल मोटर का सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो अब यूनिवर्सल मोटर जो है वो एसी और डीसी दोनों पे काम कैसे करती है, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी मोटर में आपका जो आर्मेचर या रोटर होता है वो आपका तब घूमता है जब उसकी दो कंडीशन पूरी होती है। सबसे पहली, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, और दूसरी, उसके अंदर भी करंट होना चाहिए। तो मतलब आपका जो आर्मेचर है, सबसे पहले तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, और दूसरा, उसमें भी अलग से करंट जाना चाहिए। तो इसमें वो दोनों की दोनों रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी होती है, तो आपका यह स्टेटर, तो उसके बीच में जो आर्मेचर होता है वो कुछ इस तरह से रखा होता है। तो अब क्या होता है, जब आप स्टेटर में करंट देते हैं तो क्या होता है, करंट आपका कॉइल में से सर्कुलेट करता है। तो जब करंट किसी कॉइल से सर्कुलेट करता है तो वो मैग्नेट का काम करता है, मतलब इससे मैग्नेटिक फील्ड बनने लग जाती है, और साथ ही साथ आपका कार्बन के थ्रू करंट आर्मेचर में भी चला जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी दोनों की दोनों रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड भी आर्मेचर को मिल जाती है, और एक्सटर्नली इसमें करंट भी दे दिया जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि इस पर एक फोर्स लगती है जो इसे घूमने पर मजबूर कर देती है। तो यूनिवर्सल मोटर कुछ इस तरह से काम करती है। तो जो यूनिवर्सल मोटर होती है मिक्सर जूसर या ग्राइंडर की, उसकी प्राइमरी में आपको मिलेगी दो या तीन या चार टैपिंग्स, और सेकेंडरी में हमेशा दो ही वायर्स रहती है। तो जूसर या मिक्सर्स या ग्राइंडर्स में एक अलग तरह की मोटर भी यूज होती है जिसमें आपकी दोनों तरफ चार चार वायर्स आती है, तो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।